नमस्कार, मैं सूरज कुमार, आपका टाइम फैक्ट्स न्यूज में स्वागत है। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध शासक भोज के वंशजों में से थे। उनके माताजी का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके छोटे भाई अमर सिंह, दयालु सिंह और राजपति सिंह एवं इसी खानदान के बाबू उदवंत सिंह, उमराव सिंह तथा गजरांग सिंह नामी जागीरदार रहे तथा अपनी आज़ादी कायम रखने की खातिर सदा लड़ते भी रहे। वहीं 1857 में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों मिलकर कदम बढ़ाया। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश के विप्लव मचा दिया। बिहार के दानापुर रेजिमेंट, बंगाल के बैरकपुर और रामगढ़ के सिपाहियों ने बगावत कर दी। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली में भी आग भड़क उठी। ऐसे हालात में बाबू कुंवर सिंह ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व भी किए। वहीं 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। जब अंग्रेजी फौज ने आरा पर हमला करने की कोशिश की तो बीबीगंज और बिहिया के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। वहीं बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर की ओर बढ़ गए। आरा पर फिर स्वतंत्रता के कब्जा जमाने के बाद अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया। बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह को जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। अमर सिंह अंग्रेजों से छापा मार लड़ाई लड़ते रहे और बाबू कुंवर सिंह रामगढ़ के बहादुर सिपाहियों के साथ बांदा, रियुआ, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर एवं गोरखपुर में विप्लव के नगाड़े लगातार बजाते रहे। वहीं इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को इन्होंने पूरी तरह खदेड़ दिया। उसी दिन बुरी तरह घायल होने के बाद बहादुर ने जगदीशपुर किले से गोरे पिसुओं का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 23 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति